साहब जी, कोई हमजा साहब आए हैं। बुलाओ। हमजा, हमजा कौन? क्या वो तुम नहीं पहचानते उसे? जहन में नहीं आ रहा है। अभी देखोगे पहचान जाओगी, पहचान जाओगी। वो वाला हमजा बतूल है। वो वाला हमजा बतूल वाला। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी वालिदा का सुन के। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करेगा। वो कहते हैं ना, जो लोग अपनी जिंदगी में दोजख देख लें, अल्लाह ताला ने तो वादा किया उनसे जन्नत देने का। ये तायबू हैं। हाँ तायबू। मैं पहचाना नहीं। सलाम अलैकुम। जफर हूँ मैं। तैबू, ये अपनी पहचान है। बता दो, याद करा आपने मुझे बताया था कि ये जुनैद के घर आया था और जुनैद ने गोली चला दी थी और बतूल मर गई थी। मैं चाय लेके आती। अरे क्या बात कर रही हो तुम, इतनी महंगी मैंने काम वाली रखी है, वो लेकर आएगी? तुम रुको, तुम अम्मी की बहू हो, वसा दो उनको। क्या हुआ था उन्हें इतना अचानक? कुछ नहीं, वो बस उनको बहू लग गई थी। तो ये हाल है उनकी, खुद पर हंसी आती है। वो कहते हैं ना, मुश्किल इतनी पड़ी कि आसान हो गई। सोई हुआ है। मैं कल वापस जा रहा हूँ अमेरिका। तुम्हें किस चीज की कमी है यहाँ पर? कुछ सजाएं खुद को भी देनी चाहिए। खुद को तो सजा दे ही रहा है, साथ में मुझे भी सजा दे रहा है। ठीक कर रहा है, बिल्कुल ठीक कर रहा है। मैं भी तो उसके मुजरिम हूं ना, सजा तो बनती है मेरी। कहाँ रह गई माजदा? चाय अब आगे बताएं। मैं तो माफिया समेटती फिर रही हूं। शायद किसी तरह भी मेरे बेटे के बेचैन दिल को करार आ जाए, सुकून आ जाए उसे। आप किस बात का कसूर? आप किस बात की माफी मांग रही हैं? बताएं। मेरा कसूर बनता है। पहले तो मैं इस रिश्ते पर राजी नहीं थी। बाद में आपके घर से मुझे फोन आया था। छोड़ दो भूखा, छोड़ दो। अब यहां से मत हटना। अब आगे बताएं। इन्होंने मुझे फोन किया था और फोन करके मुझे सलाह दी थी कि इनकार करने का तरीका ये भी है, सारे का सारा बोझ आप लोगों पर आ जाए। मैं अपने बेटे को दिखाने की खातिर यहाँ आप लोग के घर आऊँ, आप लोगों से लड़ूँ, झगड़ूँ, हंगामा करूँ, उसके बाद घर जाकर अपने बेटे के सामने ड्रामा करूँ कि आप लोगों ने मुझे बेइज्जत करके निकाल दिया है। क्या
पागल हो गई है आप? मैंने ऐसा कब कहा? आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? आपको शर्म नहीं आती है? सोग वाले घर में आ रही है, सुमन में झूठ बोल रही है, आपके साथ मेरी क्या दुश्मनी है? अब क्या बोल क्या रही है ये? हंस लो, अच्छी तरह से हंस लो। क्या तुमने मुझे फोन करके कहा नहीं था बतूल के मरने के बाद के मैं अपने बेटे को अमेरिका भेज दूं? क्योंकि तुम्हारा भाई इसके खून का प्यासा हो चुका है, इसकी जिंदगी को खतरा है, और अगर इसकी जिंदगी चाहती हूं तो मैं इसे बाहर भेज दूं। बोलो, तुमने नहीं कहा था ये मुझसे? वाओ, आप पागल हैं, ये पागल हैं। मैं इनकी पहली दफा शक्ल जब से वो इस घर में आके बदतमीजी करके गई है, पहली दफा शक्ल देखी हूं। ये याद नहीं है कितनी पागल औरत है? आप बोल क्या रही है? तुम ठीक ही कह रहे थे, तुम्हारी माँ को बहू लग गई थी। क्या कहा? आउट, मेरे घर से फौरन इसी वक्त बाहर निकले आप। ये कहीं नहीं जाएंगे। ये मेरे साथ यहीं बैठेंगे, मेरे साथ खाना खाएंगे। मेरी माँ के लिए अफसोस करने वाला हर शख्स मेरे लिए मोहतबर है। बीवी पे इल्जाम लगा रही है, तुम ही भुगतो फिर। शर्म नहीं आती?